की बच्चे दानी में जर सौली और चख में यस इन द नेम ऑफ जीसस नेम ऑफ चल चल आप देखो जिस रसौलियों का ऑपरेट होना था खुदा ने क्या कर दिया गायब कर दिया। चार रसौलियां थी यूट्रस में और उसी के कारण यूट्रस में इसकी बच्चेदानी में जख्म हो गए जिसके कारण ये बहुत परेशान बहुत ना कुछ बचता था तरस से तड़प रहे थे बुरी हाल बुरा हाल बन गया बोलो क्या था बुरा हाल था बुरा हाल समझ आ रही है हालेलुया। तो जिस सिस्टर का नाम बलजीत है और छिबल्ला गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की गवाही जे जे बतारे के 7 महीने हो गए थे और जिसके कारण जे बतारे के इनके पेट में बहुत दर्द हो रही थी इनके वखी में दर्द रहती थी और जे दर्द इनके गुप्त अंग में आती थी जिसके कारण जे बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे थे पर जे बता रहे कि मेडिसिन खाने से भी जे दर्द नहीं थी रुकती जे बता रहे कुछ समय तक इन्हें फ़र्क रहता था पर जैसे जो मेडिसिन खाते तो फ़र्क रहता पर फिर से इनको मेडिसिन लेनी पड़ती थी और जो बहुत परेशान थे और जिस प्रॉब्लम में जो अपने घर का काम भी करते थे और जो बता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और जैसे जो बता रहे कि जो दर्द 7 महीने से थी और धीरे धीरे जो दर्द एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जिसके कारण इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बहुत ही ज़्यादा दर्द थी क्योंकि जिस डॉक्टर से जो मेडिसिन खा रहे थे तो उन्होंने इनको बोला कि आप पहले इतनी मेडिसिन भी खा रहे थे आप अल्ट्रासाउंड कराओ क्योंकि बहुत दर्द हो रही थी और जैसे फिर इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो जो इनकी रिपोर्ट्स है और जो इनकी रिपोर्ट्स है तो डॉक्टर ने बताया कि जो इनके यूट्रस है में इनके जो पानी वाली रसौलियों की प्रॉब्लम है तो इनकी जो रसौलियाँ थी वो 4 आई थी और जो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम थी यूट्रस में और जो इनकी सिस्ट है पहली रसौली जो कि 2 रसौलियाँ इनकी पानी वाली थी और डॉक्टर ने कहा था कि आपके यूट्रस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है जो बच्चेदानी का मुँह है वो 12 हो गया है और जिसके कारण जो इनके बच्चेदानी में जख्म हो गए थे और जो बता रहे हैं कि एक जो रसौली थी वो अभी बन रही थी वो जख्म के द्वारा वो बाद में रसौली का उसने रसौली बनने वाली थी पर अभी शुरू हो रही थी जो कि 4 रसौलियाँ थी जिसके कारण से बहुत परेशान थे जो पहली रसौली थी वो 3.5 थी और जो सेकेंड थी वो 6.1 और जो थर्ड थी वो 3.1 और 2.3 थी और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और डॉक्टर ने तो इनको कहा था कि इस प्रॉब्लम के कारण तो आपका ऑपरेट होगा और जैसे ही जे बता रहे कि इन्होंने कुछ दिन फिर से इनके इन्होंने मेडिसिन ही ली डॉक्टर से इन्होंने ऑपरेट नहीं कराया पर जो दर्द थी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई जे बता रहे इनकी कंडीशन एक दिन इतनी ख़राब हो गई कि इनके दर्द के कारण इनके हाथ पांव मुड़ गए बहुत ज़्यादा इनके कुछ पच नहीं रहा था वॉमिटिंग्स आ रही थी बहुत परेशान हो चुके थे इतनी भयानक दर्द थी इतनी प्रॉब्लम के कारण तो फिर इनको परमेश्वर को इन्होंने याद किया क्योंकि जो सिस्टर पहले इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे पर 1 साल हो गया था कि जो बहुत ही कम मीटिंग अटेंड करते थे जैसे कि कभी महीने में 1 मीटिंग अटेंड कर ली कभी 4 महीने बाद फिर 1 कर ली फिर 6 महीने बाद 1 मीटिंग अटेंड कर ली ऐसे साल हो गया था कि जो कभी कभी मीटिंग अटेंड करते थे तो जैसे इनको परमेश्वर को इन्होंने फिर याद किया कि परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से अच्छा कर सकते हैं और फिर इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल किया और टीम ने इनके लिए इनको पहले उत्साहित किया परमेश्वर के बारे में फिर से इनको बताया कि जिस परमेश्वर से आप
जिस परमेश्वर ने आपको चुना था, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया था, और जिस परमेश्वर की हजूरी में आप इतने समय से आ नहीं रहे, और काफी चीजों में इनको उत्साहित किया गया, फिर इनके लिए प्रेयर की, क्योंकि उस समय इनकी दर्द बहुत ही ज्यादा थी, तो फिर इनको परमेश्वर ने उस दर्द से कुछ अच्छा कर दिया। फिर जैसे इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, उन्होंने एक मीटिंग अटेंड की, और फिर जैसे ही फिर जब नेक्स्ट जब मीटिंग में आए, जब 4 मई की मीटिंग में आए, तो इन्होंने अपना फॉर्म फिल कराया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इनको, तो जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड हुई, आओ पहले हम इस वीडियो को स्क्रीन पर देखते हैं। इसकी बच्चे दानी में जो रसौली में और चख में, यस इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, चल चल शट 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 चल चल शट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से गंदी आत्मा इसके पेट से, इसके शरीर से, शट नेम ऑफ जीसस, चल पूरी तरह से। और जैसे कि इनके लिए लैंड हुई थी, और जैसे हमने इनकी फर्स्ट रिपोर्ट देखी है जो कि 16 मई को हुई थी, और एक महीना जो लगातार फिर जो मीटिंग को अटेंड करते रहे लगातार, फिर उन्होंने पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की, और जो बता रहे कि जैसे इनके लिए 4 मई की मीटिंग में इनके लिए लैंड हुई थी, तो जो बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इनको इस प्रॉब्लम से जो बता रहे हैं कि जो दर्द थी उससे इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। दर्द तो उससे समय इनकी रुक गई थी, पर जे बता रहे हैं कि जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और दर्द से तो फ्री हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि जो इनके बच्चेदानी में जख्म भी है, एक जो जख्म था वो पहले जख्म बन रहा था और उसके बाद वो रसौली बननी थी, और जो बता रहे 2 रसौलियाँ थी जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही थी, इनको वॉमिटिंग्स भी आ जाती थी, पर विश्वास करते रहे, धन्यवाद देते रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे, पर्सनल भी आते रहे, और फर्स्ट जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा वचन आया था कि आपने लगातार 3 थर्सडे की मीटिंग को अटेंड करना है, और जो भी आपके रुके काम है या कैसी भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर जो भी लोग इन 3 मीटिंग को अटेंड करेंगे, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलेंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे। और जैसे ही सिस्टर ने 3 मीटिंग थर्सडे की अटेंड की और जब विश्वास से आते रहे, तो फिर जब बता रहे कि इन्होंने जब कल अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई, अभी हम उस रिपोर्ट को भी देखेंगे, तो डॉक्टर ने बताया है कि जो जी रिपोर्ट है इसमें जो इनकी 4 पहले हमने बताया कि 4 रसौलियाँ थी, वो 3 रसौलियाँ तो परमेश्वर ने उससे इनको पूरी तरह से फ्री कर दिया है, अभी 1 रसौली है, और जो विश्वास करते कि जैसे परमेश्वर ने इनको 3 रसौलियाँ से पूरी तरह से फ्री कर दिया है, क्योंकि जैसे इनके लिए ले हैंड हुई थी उस दिन से जो सिस्टर बता रही कि इन्हें कोई दर्द नहीं है, घर का काम भी करे, खा पी रहे, सब कुछ बच रहा है, और जो 3 से परमेश्वर को फ्री कर दिया है, अभी सिर्फ 1 ही बची है, उससे भी जो विश्वास करते कि परमेश्वर इन्हें फ्री करेंगे, और जो बहुत ही जल्द अपनी उस रिपोर्ट के साथ भी अपनी बड़ी गवाही देंगे, और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे। क्रिसिया अपने हाथों को उठाते हुए, पूरी जोर से अपने हाथों को उठाते हुए, क्योंकि सच में जिस परमेश्वर ने इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया, जिनको इनके चोटरस में जो 4 रसौलियाँ थी और बच्चेदानी का मुंह बहुत भारी हो गया था, स्वेलिंग आ गई थी, जख्म हो गए थे, और परमेश्वर के दास के द्वारा जैसे इनके लिए लैंड हुई, प्रार्थना हुई, उसी दिन ही प्रभु की सामर्थ ने इनको छुआ, और जब बता रहे हैं कि आज सिस्टर उस दर्द से तो पूरी तरह फ्री है, और परमेश्वर ने भी हमने देखा कि जैसे रिपोर्ट्स भी इनकी में 3 रसौलियाँ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और परमेश्वर ने आज इन्हें पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे। इग्लेसिया पूरी जोर से अपने हाथों को उठाते हुए, आमेन। बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस, जो सब कुछ करने की क्या रखता है,
सुनो, वो तो सच्चा है। आप देखो, जिस रसौलियों का ऑपरेट होना था, खुदा ने क्या कर दी, गायब कर दी। चार रसौलियां थी यूट्रस में, और उसी के कारण यूट्रस में इनकी बच्चेदानी में जख्म हो गए थे, जिसके कारण ये बहुत परेशान से, बहुत ज्यादा ना कुछ बचता था, दर्द से तड़फ रहे थे। बुरा हाल था इनका। बोलो क्या था? बुरा हाल। समझ आ रही है? पर हुआ क्या? मेन पॉइंट, यीशु मसीह ने जब एक 38 साल के रोगी को चंगा किया, तो उसने कहा, देख तू चंगा हो गया, अब कोई पाप ना करना, ऐसा ना कोई भारी विपत्ति तो उस पर आई। फिर गलातियों 5:1 में लिखा कि परमेश्वर ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, उस आजादी में स्थिर रहे और गुलामी के जुए में फिर से ना आया। कितनों को समझ आ रही है? तुझे आजाद किया, फिर से ना आ जाना। और वही चीज हुई। इनका कारण क्या था? खुदा के संग जो अच्छा रिश्ता है वो ना अच्छा रिश्ता बने रहने के कारण। कभी 2 महीने बाद संगति में आना, कभी महीने, कभी 3 महीने के बाद। क्यों लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, खाली घर को देखकर कौन आता है? जब एक दुष्ट आत्मा चली जाती है, जब खाली घर को वो देखती है, तो वो सातों को औरों को लेकर आती है, और उसकी हालत उससे भी क्या कर देती, ज्यादा खराब कर देती। मैं क्यों कहता हूं? अपने परिवार को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, किसके साथ बने रहे और जुड़े रहे। समझ आ रही? ये कुछ भी नहीं करते थे। बोलो क्या है? कुछ भी नहीं करते, इसके कारण कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। शुक्र है ये खुदावन में उस पर विश्वास करते थे, चाहे वो कैसा भी करते थे, पर परमेश्वर दयावान है। बोलो क्या है? परमेश्वर जिसने इन्हें बचा लिया, हो सकता कुछ भी हो सकता था, नहीं तो पता नहीं हजारों रुपए कितना खर्च आता ऑपरेट के लिए, कितने दिन ये घर में बेड रेस्ट पे रहते, पता नहीं। समझ आ रही? पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो ध्यानवंत परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। बोलो क्या है? वो दयालु परमेश्वर, दयालु, जिसने आज इसके साथ एक बड़ा चमत्कार किया। जिन रसौलियों को ऑपरेट होना था, चार रसौलियां थी, कितने कितने पॉइंट की थी? जो पहली थी वो 3.5 3.5 की रसौली पहली जी, फिर और जो सेकंड थी वो 6.1 जो सेकंड है वो 6.1 और जो थर्ड थी वो 3.1 और 2.3। हाँ देखो, तीनों को तो खुदा ने क्या कर दिया? गायब कर दिया, खत्म कर दिया है। अब एक बची है, वो भी कम हो रही है। क्या हो रही है? वो भी क्या कर देगा परमेश्वर, क्योंकि मेन चीज है। बोलो क्या है? मेन चीज है कि जिस दर्द से, जिन जख्मों के कारण ये इतनी तकलीफ में थे, क्योंकि यूट्रस बच्चेदानी में जब जख्म हो जाते हैं अंदर, तो समझ आ रही है, इसकी बड़ी हालत बहुत खराब थी। पर ये जब आई, हमने समझाया, और जब ले हैंड हुई, और उसी दिन जो इतनी दर्द थी इसके वक्खी से, पेट से, ऐसे ऐसे करके दर्द जा रही थी ना, इसके पेट से वक्खी में आती कि वक्खी से पेट में? हाँ, वक्खी से जाती, पेट से जाती, वक्खी से होकर पेट में दर्द जाती थी। हाँ जी। और आपकी बहुत हालत खराब, बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त से भी बाहर थी ना। बहुत आप तड़फ रहे होंगे, बहुत ज्यादा, और कुछ भी पचता भी नहीं था। आराज आपके सामने, रिपोर्ट्स आपने देख ली है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिए हैं। बोलो क्या कर दिए? पूरी तरह आजाद कर दिया। और सुनो, ये कैसे हुई आजाद? फिर इसने मन फिराया, फिर लगातार हर संडे, वीरवार, मंडे की जो पर्सनल मीटिंग, उसमें ये लगातार बनी रही, लगातार। बोलो क्या बनी रही? लगातार। क्यों? बाइबल कहती है कि उसमें की हुई मेहनत, उसमें की हुई मेहनत है। प्रॉब्लम हालात चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं, बोलो क्या? प्रॉब्लम हालात चाहे कितना भी कोई बड़ा, पर जब हम खुदावंद के वर्ड को, वचन को पूरा करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं,
कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, खुदाबंद उसे ऐसे बना देता है, शून्य की तरह, जीरो की तरह ऐसे मिटाता है। आमीन। तारीफ कर दो डॉक्टर जीसस के लिए। इज द किंग ऑफ दोनों हाथों को लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स फिर उनसे ऑलमाइटी सन ऑफ गॉड इज द किंग फिर उनसे लॉर्ड ऑफ गॉड और डॉक्टर जीसस के लिए सन ऑफ गॉड यीशु की गवाही करदाए यहोवा नख कम करदाए King of kings, Lord of lords, Almighty Son of God is the King of kings, Lord of lords, Almighty Son of God. Anukhe kame kari dae, Yehovah. Anukhe kame kari dae, kari dae, Yehovah. Amen. Suno, suno, suno. सुनो सारे ध्यान से। अब जो गलती पहले की अब नहीं करना, करोगे तो नहीं, पक्का है? पक्का। आगे बढ़ना है। यस। जो खुदा के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसके वादे हैं, उनको प्राप्त करना है कि सारी उम्र अपनी बुद्धि से ऐसे ही इस जीवन को खत्म करना है? नहीं, खुदा के वचन में अब बनना है, सीखना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने हमसे कैसा प्रेम किया और हमने कैसा करना है, ठीक है? तो बने रहना। खुदा ने सिर्फ तुझे चंगा ही नहीं किया, वो तुझे बड़ी आशीष भी देगा, तुझे बढ़ाएगा भी, हर चीज में खुदावंत तुझे ऊंचा करेगा। यस आमीन। ओके, और जल्द हम जो एक रह गई है ना, जल्द इसकी रिपोर्ट हम जल्द सुनेंगे। तुझे विश्वास है ना? यस। और ऐसा हो चुका है। यस आमीन। बोल, अपने पेट पे हाथ रखे। यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ तेरी जीवत हजूरी में, आज से खुदावन तू अपने अनुग्रह के फजल से, अपनी कोड़ों की मार से तू मुझे छू चुका है, क्योंकि मैं आइंदा आगे से ऐसा नहीं करूंगी। जैसा प्रेम तूने किया वैसा ही मैं करूंगी, और उस प्रेम के कारण जो तूने मुझसे किया और जब मैं अब करूंगी, तू मुझे आजाद कर चुका है। आमीन। और ऐसा हो चुका है। यस आमीन। तारीफ कर दो फिर से एक बार। यस आमीन।